हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में हर साल कुदरती आफतें अपने साथ मौत और तबाही लाती हैं, क्योंकि लोगों में इन आफतों को समझने और इनसे निमटने की तैयारी की कमी होती है। 26 जनवरी सन 2001 को मगरबी हिंदुस्तान की रियासत गुजरात में कच्छ के जलजले में तकरीबन 14,000 लोग मौत का निवाला बन गए। इसमें लगभग 2,33,000 मकान या तो मुकम्मल तौर पर टूट गए या उन्हें अच्छा खासा नुकसान पहुंचा। तकरीबन 9,71,000 मकान आधी रियासत के बेशतर शहरों और गांवों में मुतासिर हुए। वो अलग हैं। ये सारी तबाहियां और मौतें उन मकानों के मामूली काम या तामीर की खामियों की वजह से हुई। यहाँ के अक्सर मकान इंजीनियरिंग की मदद के बिना बनाए गए थे, जिनमें मकानी चीजें जैसे पत्थर, ईंट, गारा और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ये कारीगर भले ही तामीर की रिवायती तरीकों का तजुर्बा रखते होंगे, लेकिन जलजले के खिलाफ टिकने वाली तामीर की टेक्नोलॉजी से वाकिफ नहीं है। इसीलिए वो नुकसान का सारा इल्जाम तामीर के मेयार और उसमें काम में लाए जाने वाले तरीकों के बजाय तामीर में इस्तेमाल होने वाले सामान को देते हैं। पोस्टरों की नुमाइश, नमूने और तरबियत की मदद से आवाम में, पेशे से वाबस्ता लोगों में और पॉलिसी बनाने वालों में इस सिलसिले में बेदारी लाई जा सकती है। हिलने वाली मेजों पर बनाए गए नमूने के मकानों के बीच मुवाजना करके लोगों का एतमाद बहाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य बड़ी महत्व है। कई बार जो हम अपनी जनता को बताना चाहते हैं शब्दों के द्वारा, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि आँख से देखे हुए कार्यों का प्रभाव पड़ता है। इस शेकटेबल टेस्ट में ये चीज़ दिखाई गई है कि जो हमारे चिनाई वाले जितने भी तरीके हैं, चाहे वो पत्थर का हो, चाहे वो ईंटों का हो, कंक्रीट ब्लॉक का हो, हम यदि उसके स्पेसिमेन मॉडल बना करके और ये दिखाएं कि देखो भाई ये तो ट्रेडिशनल है, इस प्रकार से आप लोग बनाते हैं, लेकिन इसमें आप ये अगर और चीज़ें डाल दें जो कि भूकंप अवरोधी हैं या चक्रवात अवरोधी हैं, और उनको हम दिखाएं एक बार ही दोनों को बराबर बराबर टेस्ट करके कि देखिए जो आपका ऑर्डिनरी तरीके से बनाया हुआ है सामान्य तरीके से वो तो गिर गया, और जो हमारा परिष्कृत तरीके से बनाया गया इम्प्रूव वर्जन जो बनाया गया वो नहीं गिरा, तो एक उनके मस्तिष्क पे तुरंत ही उसका प्रभाव पड़ता है देखने का। हम इन मुजाहिरों के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। ये एक 6 मीटर लंबा और 3.5 मीटर चौड़ा रोलर्स पर बना RCC का प्लेटफॉर्म है, जो ट्रैक्टर के जरिए झटका देने पर आगे पीछे हरकत करता है। एक्सेलरोमीटर और कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड की मदद से ढांचे पर इस तरह से दिए गए झटके की शिद्दत को नाप लिया जाता है। पिछले जलजलों के दरमियान मुख्तलिफ चीजों से बनाई गई दीवारें तो गिर गई थी, मिट्टी के खपरेल से बनी हुई छतों को भी काफी नुकसान पहुंचा। नतीजा ये हुआ कि अब लोग खंभों और ईंट की दीवारों वाले मकानात बनाना चाहते हैं जिनकी छत सीमेंट कंक्रीट से बनी हो। ये काफी महंगा पड़ता है। ये मकान मौसम के एतबार से मुनासिब नहीं होते और मरम्मत भी मुश्किल होती है। मेरे दाएं ओर जो मकान नजर आ रहा है वो इस इलाके का आम मकान है। ये पत्थर और गारे की दीवार से बना है और लकड़ी की बल्लियों पर टिकी हुई खपरेल की छत वाला है। दूसरा मकान जो मेरे बाएं तरफ है वो जलजले में बेहतर मुजाहिमत के लिए सुधार कर बनाया गया है। ये मकान आम मकान जैसा ही नजर आता है, लेकिन इसमें पत्थर और गारे की दीवारों में हर 10 मुरब्बा फीट पर एक एक हेडर होता है। दीवारों को दीवारों से बेहतर तौर पर जोड़ने के लिए दीवारें एक ही वक्त में बनाई गई है। इसके अलावा हर कोने में लोहे की एक सलाख लगाई गई है। दीवार की ऊपरी सतह पर RCC की 2 सलाख वाली पट्टी लगाई गई है जो हर दीवार में है।
छतनी और कंक्रीट पट्टी को दो खड़ी सलाखों के जरिए जोड़ा गया है। तिकोनी दीवार के ऊपर भी ऐसी ही पट्टी लगाई गई है। यह एक तिकोनी पट्टी है जो ऊपरी सतह की पट्टी में पेवस्त है। तिकोनी दीवार के ऊपर की मुंडेर को भी गेबल पट्टी के साथ सलाख की मदद से पकड़ा गया है। यह पट्टी तिकोनी दीवार से निकलकर मुंडेर पर शामिल है। खपरेल को लकड़ी के ऊपर लगाया गया है। जलजले में मुजाहिमत के लिए छत के नीचे तिरछे तार लगाए गए हैं। खपरेल को फिसलने से रोकने के लिए निचली खपरेल पर गैल्वेनाइज लोहे के तार लगाए गए हैं। नमूनों को ट्रैक्टर की मदद से चंद झटके देने पर रिवायती तरीके से बनाए हुए नमूनों की कुछ दीवारों में दरारें पड़ने लगी, जबकि कुछ दीवारों में खिड़की के कोने में से तिरछी दरारें पड़ने लगी। जलजले मुजाहिमती मकानों में पट्टी की वजह से दरारें नहीं पड़ी। दसवां झटका दिए जाने तक ये दरार G4 तक पहुंच गई और साथ ही दूसरी दीवार तकरीबन गिर जाने जैसी हो गई। सुधारे हुए मकान के कोने में खड़ी सलाखों ने नुकसान नहीं पहुंचने दिया। बारहवें झटके तक एक दीवार गिर चुकी थी और छत खराब हद तक झुक आई थी। रिवायती ढांचा 13वें झटके तक मुकम्मल तौर पर ढह चुका था। सुधारा हुआ मकान छत पर मुंडेर में G2 की चंद दरारों के साथ अपनी जगह कायम रहा। गेबल पट्टी की वजह से तिकोनी दीवार भी खड़ी रही। इससे यह जाहिर हो गया कि गलत तरीके से बनाया गया पत्थर और सीमेंट वाला मकान भी गिर सकता है। इसके बरखिलाफ जलजला मजाहिम टेक्निक से बना पत्थर और मिट्टी का मकान भी महफूज रह सकता है। हिफाजत के लिए यह जरूरी नहीं कि कोई मकान ईंटों, बीम और सुतोनों पर टिकी RCC की छत से ही बनाया जाए। इन लोगों के लिए यह तजुर्बा काफी एतमाद पैदा करेगा और इन्हें यह तरीके इस्तेमाल करने की तरकीब भी देगा। यह सब होता हुआ वाकई जो देख चुके हैं। हां, हमने देखा कि ये उससे ज्यादा मजबूत है जो गिर चुका है। हमने जैसे देखा है वैसे ही मजबूत मकान बनाने होंगे। मजबूत मकान बनाने में ही फायदा है। जो मकान खड़ा है वैसे ही बनाएंगे। हर 2 फीट पर एक लंबा पत्थर जो हेडर कहलाता है वो लगाना पड़ेगा। इससे दीवार गिरेगी नहीं। जलजले में दीवार की एक परत गिर गई थी। कच्छ में पिछले कई सालों में सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है क्योंकि यहां पत्थर आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जलजले में ऐसे ब्लॉक्स से बने हुए मकानों को भी बहुत नुकसान पहुंचा। जलजले के बाद से लोगों ने इन ब्लॉक्स के बजाय महंगी ईंटों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कंक्रीट ब्लॉक से बने हुए मकानों पर जलजले का असर देखने के लिए हिलती हुई मेज की आजमाइश की गई। हिलने वाली मेज की इस आजमाइश में हमारे पास 2 मकान है। दोनों की दीवारें सीमेंट ब्लॉक्स की बनी हुई है और छतें कंक्रीट स्लैब की बनी है। यह पहला मकान इसी तरह से बना है जैसे यहाँ के लोग बनाते हैं, यानी हर दीवार एक के बाद एक बनी है। पहली दीवार बनाने के बाद जो चाल छोड़ी गई थी उसी में ब्लॉक फंसा के दूसरी दीवार बनाई गई और फिर तीसरी और चौथी दीवारें बनाई गई। इन दीवारों की सिर्फ 5 दिन तक ही तराई की गई। यहां पर यह दूसरा नमूना है जो सुधारा हुआ है, जो बेहतर किस्म का है। इसमें सबसे पहले ऐसे कंक्रीट ब्लॉक से दीवारें बनाई गई है जिसमें
खांचे बने हैं। ब्लॉक्स को आपस में अच्छी तरह से जोड़ बने उसी के लिए यह है। उसके अलावा इसमें ये सारी दीवारें एक ही वक्त में बनी हैं। दरवाजे से चुनाई शुरू की गई और दरवाजे पे खत्म की गई। तामीर के बाद इस ढांचे की 15 रोज तक तराई की गई थी। उसके अलावा जलजले में बेहतर मजाहिमत के लिए हर कोने में खड़ी सलाखें ऐसे ब्लॉक की मदद से लगाई है जिसमें ऐसा छेद रखा गया हो। ये सलाखें कंक्रीट की छत की सलाखों के साथ जोड़ी गई है। इसके अलावा खिड़कियों और दरवाजों के दोनों तरफ खड़ी सलाखें खिड़कियों और दरवाजों की मजबूती बढ़ाने के लिए लगाई गई हैं। जलजले से बेहतर रोकथाम के लिए चारों दीवारों पर छतनी की सतह पे सलाखों वाली कंक्रीट की पट्टियां भी लगी हैं। मामूली नमूने में ट्रैक्टर के तीसरे झटके पर ही तिरछी दरार पड़ना शुरू हो गई। सातवें झटके पर सारी दरारें G3 लेवल जितनी चौड़ी हो गई। दरवाजे के ऊपर की दीवार प्लम से बाहर चली गई। जलजला मजाहिम मकान में ऐसी कोई दरार नहीं पड़ी। आठवें झटके के बाद मामूली नमूने में कंक्रीट की छत दीवार के ऊपर फिसली और जोड़ के मकाम पर आड़ी दरार पड़ गई। दसवें झटके के बाद मामूली नमूना मुकम्मल तौर पर गिर गया। सुधारे हुए नमूने में सिर्फ मुंडेर में जोड़ के मकाम पर G2 के जैसी दरार पड़ी। जैसी भी मशीन से एक ज्यादा शदीद झटका दिया गया लेकिन किसी नुकसान के बगैर बर्दाश्त कर गया। इस आजमाइश ने यह जाहिर कर दिया कि अगर जलजले से बचाव की तदबीरें काम में लाई जाएं और तामीर के मेयार का ध्यान रखा जाए तो खांचों वाले कंक्रीट ब्लॉक से बना हुआ मकान जलजले के असर को बर्दाश्त कर सकता है। दीवारों और RCC छत के स्लैब को कोनों में लगी हुई खड़ी सलाखों से बांधना जरूरी है। हर कोने में 4 खड़ी सलाखें लगाने से मजबूती नहीं होती जबकि खर्च ज्यादा होता है। मैं ये मानता हूं कि इस तरह की आजमाइशें जलजला मजाहिम टेक्नोलॉजी को समझने में कारामद साबित होंगी। इस तरह थोड़ा खर्च ज्यादा करने से मकान महफूज रह सकता है। सारे मकान इसी तरीके से बनाना चाहिए। इससे लोगों में यह भरोसा पैदा होगा कि मामूली खर्च बढ़ाने से मकान जलजले से बच सकता है। अगर इंजीनियर ये देख लेंगे तो फिर गलती नहीं करेंगे कि एक खड़ी सलाख प्लिंथ और केबल बेंड से मकान ज्यादा मजबूत सादा सस्ता लेकिन टिकाऊ बनेगा और गांव वालों को भी इससे फायदा पहुंचेगा। ये इतने सारे झटके देने के बाद भी नहीं गिरा, इस तरह से जाने बचेंगी। मकानों के मालिकों को भी तामीर की इस नई टेक्निक के इस्तेमाल से वाकिफ होना जरूरी है। एक सलाख वाला मकान बीम और खंबे वाले मकान से ज्यादा मजबूत होता है। जो मकान हम एक सलाख को प्लिंथ छतनी और स्लेब से बांधकर बनाते हैं उसकी लागत 10-15% ज्यादा आती है। इससे मकान हम देख रहे हैं ऐसा ज्यादा मजबूत हो जाता है। एक सलाख भी काफी मजबूती देती है क्योंकि चारों सिरे उसको बांधकर उसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। पिछले जलजले के बाद लोगों ने अपने थोड़े नुकसान वाले मकानों को जमीन दोज करके नए मकान बना लिए। हालांकि उसके बजाय वो अपने मौजूदा मकानों को ही रिट्रोफिटिंग के जरिए जलजले में टिकने वाले बना सकते थे। ऐसा करने में उन्हें नए मकान पर खर्च की गई रकम के 15% से भी कम लागत आती। दूसरी तरफ कई लोगों ने गैर साइंसी तरीके पर अपने मकानों की मरम्मत की और उनकी नाजुक हालत जाने बगैर ही उनमें रहना शुरू कर दिया। ये सूरत हाल टाली जा सकती थी अगर मरम्मत के दौरान ही रेट्रोफिटिंग कर ली जाती। इस आजमाइश का मकसद ये बताना था कि एक रिवायती तौर से बने मकान पर रेट्रोफिटिंग का कितना असर होता है।
मेरी दाई ओर का पहला मकान वैसा ही है जैसे शुमाली गुजरात और कच्छ के इलाकों के आम मकान होते हैं। ये मकान मिट्टी के गारे और पत्थर का बना हुआ है। जिसके ऊपर लकड़ी और खपरेल की छत डाली हुई है। इस मकान को मुकामी कारागिरों ने मुकामी सामान से बनाया है और छत आमतौर से दीवार के ऊपर रखा जाता है, उसी तरह रखा है। यहां दूसरा मकान भी कच्छ और शुमाली गुजरात के हिस्सों के मकानों जैसा है। उस मकान की दीवारें भी गारे और पत्थर से बनाई गई है और उसकी छत भी खपरेल से बनी है। लेकिन इस मकान का आने वाले जलजले को ध्यान में रखकर रेट्रोफिटिंग किया गया है। रेट्रोफिटिंग में बुनियादी बातें इस तरह से है। इसमें सबसे पहले सिस्मिक पट्टा, यह पट्टा लोहे की जाली का है और चारों दीवारों के ऊपर लगाया गया है। ऐसा ही पट्टा दोनों ओर की तिकोनी दीवारों के ऊपर भी लगाया गया है। इसके अलावा दूसरी खास बात है दीवारों के हेडर। इसके लिए दीवारों में आर पार सुराख करके उसमें स्टील की सलाख डालकर उसे कंक्रीट में बंद किया है। एक और खास बात, छत की बल्लियों को तार से सिस्मिक पट्टे से जोड़ा है ताकि वो दीवारों से जुड़ी रहे। खपरेल को जलजले में फिसलने से रोकने के लिए निचली खपरेल पर गैल्वेनाइज लोहे के तार लगाए गए हैं। उन सब के अलावा दोनों गेबल को पकड़ने के लिए आमने सामने लोहे के तार के जरिए जोड़ा गया है और फिर पूरी छत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक तिरछे बंधनों से जोड़ा गया है ताकि छत टेढ़ी मेढ़ी हो ना पाए। यहाँ इस आजमाइशी मुजाहिरे को देखने के लिए जलजले से मुतासिर गांव के लोग, रजाकार तंजीमें, कारीगर, सरकारी अफसरान वगैरह मिलकर 500 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। रेट्रोफिटिंग नहीं किए गए मकान पर जब मुसलसल झटके दिए गए तो 7 झटकों के बाद नुकसान ग्रेड 3 की सतह तक पहुंच गया और उनके दरवाजे की दीवारें फट गई। जबकि रिट्रोफिटिंग किए गए मकान में कंक्रीट हेडर की मदद से पत्थर की दीवारें नहीं फटी। नवे झटके के बाद मामूली मकान झुक गया, जबकि रिट्रोफिटिंग किए गए मकान में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 10वें झटके के बाद मामूली मकान का शुमाल मगरबी कोना गिर गया और जुनूब दीवार बाहर को झुक गई। रेट्रोफिटिंग की गई तामीर में मामूली दरारें आईं। जलजले की पट्टी की वजह से दीवारों में ज्यादा बड़ी दरारें नहीं आईं। इसके बाद जल्दी जल्दी 3 झटके दिए गए। आखिरी झटके के बाद मामूली नमूना गिर गया, जबकि रेट्रोफिटिंग किए हुए नमूने में दरवाजे के पास एक छोटा सा हिस्सा गिरा। इसके बाकी हिस्से में सिर्फ G2 की सतह जितना नुकसान पहुंचा, क्योंकि बल्लियां दीवारों के साथ जोड़ी गई थीं, इसलिए खपरेल बच गई और तिरछे बंधनों ने छत को टेढ़ा मेढ़ा होने और अलग अलग होने से बचा लिया। इस आजमाइश ने देखने वालों में भरोसा पैदा किया कि मौजूद मकानों की रेट्रोफिटिंग करने से जलजले में उन्हें गिरने से बचाया जा सकता है। लोगों की समझ में यह भी आया कि हजारों मौजूद मकानों को रेट्रोफिटिंग करने की जरूरत है। रेट्रोफिट किए हुए मकान में कोई दरारें नहीं है, मामूली मकान में दरारें हैं। रेट्रोफिट किया हुआ मकान उतना नहीं हिलता है जितना दूसरा कोई मकान हिलता है। रेट्रोफिटिंग किया हुआ मकान दूसरे मकान के मुकाबले ज्यादा मजबूत है।
सलाख, तिरछी पट्टी और बैंड लगाने पर ये दूसरे मकानों की तरह गिरेगा नहीं। अगर हम उन लोगों को वाकई में बताएं, तो वह ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे। सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा पैसा खर्च करके हम अपने मकान और जिंदगी बचा सकते हैं। ये बात बिल्कुल सब लोगों के सामने आ गई कि छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट से जिनमें के हमारी जो कीमत है, अगर हम लगाएं एक मकान की कीमत के अनुपात में जो 8-10% से अधिक नहीं बैठेगी, और यदि शुरू में बनाएं तो 5-6% ही बैठेगी, तो उसके द्वारा हम पूरा अपना बचाव भूकंप से कर सकते हैं। इससे लोगों को ये बताया गया कि हर तरह के तामीरी सामान की मदद से और जलजला मजाहिम तकनीक से बनाए हुए मकान ज्यादा मजबूत होते हैं। ये भी दिखाया गया कि रेट्रोफिटिंग एक मौजूद मकान को ज्यादा महफूज बनाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी मुल्क के कमयाब वसाइल की बचत करती है और ऐसे हादसों के दरमियान मुश्किलों और मुसीबतों में कमी लाई जा सकती है।